भाई कौवे देखने को मिल गए हमारी बरेली में, तो कौवे ही नहीं रहे भाई। देख सकते हैं भाई ये रही मेट्रो, यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का, सुबह के 4 बज रहे हैं। हम लोग रेडी सेडी होगी, कहाँ जा रहे हैं पता है? वो हम आपको नहीं बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, पर पता है एक चीज बताने वाले, आज हम बैठने वाले फर्स्ट टाइम ट्रेन पे। सो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्यों पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे। हाँ। तो सबसे पहले पता है मुझे क्या घबराहट होती है? पहले टाइम में सोचते हैं ना हम लोग कि ट्रेन हिलती होगी, ऐसा तो नहीं होता होगा, वैसा तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं कि आखिर ट्रेन में बैठ के कैसा लगता है, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट ट्रेन होने वाली है जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया। और गाइस काफी मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है हम लोग एकदम उड़ के उसमें पहुंच जाऊं। तो अभी निकलते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और आप लोग सोचते होंगे हम लोग ऐसा क्यों जा रहे हैं, जब ट्रेन पे जा रहे हैं बैठे ऐसा कहीं दूर ही जाते होंगे। तो चलिए पहले स्टेशन पे फिर आपको बताते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है पूड़ियाँ, यहाँ मम्मी बना रही है पूड़ी सुबह सुबह। और देखो भाई बहुत मेहनत पड़ रही है। और मम्मी कुछ बोलना चाहोगी? हाँ भैया ठीक से जाना। मम्मी पापा यही कहते हैं सभी लोग, बस ठीक से जाएंगे, ठीक से आएंगे। ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आलू बन चुके हैं और निकल रहे हैं हम लोग। इनकी लड़कियाँ इतनी चतुर हैं, इतनी डर लग रहा है, सीधी सीधी होती तो कितना डर। तो गाइस फाइनली हम लोग देखिए जंक्शन पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा पीछे का नजारा है। अब चलते हैं अंदर की साइड, ये देखिए पापा आए हैं छोड़ने के लिए। और अब हम लोग चलते हैं शिखा एंड मैं, तो चलिए ट्रेन पे बैठते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए पापा, ये देखिए शिखा। तो बस हम लोग जा रहे हैं और वही अभी ट्रेन में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेन का कैसा नज़ारा है, ठीक है? तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए शिखा बैठी है, वाह कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर ये चल रही है। शकल की तो बैड बच चुकी है, कोई बात नहीं, आप लोग को बताइए कि कैसी है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन और थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत जगह स्टॉप हो रही है। हमने जैसा सोचा वैसा बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं हो रहा है। हमने सोचा बहुत अच्छा सफर रहेगा, पर ये सफर बहुत ही बेकार रहा क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। जितने बजे हम लोग पहुंचने वाले थे उतने बजे हम लोग नहीं पहुंच पाए। अगर हमारी तरफ की ट्रेन में बैठेगा तो उसका मन ही हो जाएगा ट्रेन से। आराम से ट्रेन में बैठे हुए, आप लोग देख सकते हैं कितनी हिल रही है। और वो कैसे देख सकते हैं? अभी हम लोग सुबह के निकले हुए हैं 5 बजे के और अभी लगभग टाइम हो गया 12 बजे का, तब भी अभी तक हमारा पहुंचने का कोई नाम नहीं है। ट्रेन हमारी पहुंचने वाली थी 10:20 पे, पर आप लोग देख सकते हैं 1.5 से 2 घंटे हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पता नहीं फाइनली कितने बजे तक हम वहाँ पे जा पाएंगे। फाइनली गाइस हमारा सफर हुआ पूरा और दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन और अब जा रहे हैं हम लोग रूम खरीदने। और इधर शिखा जा रही है मेरे से आगे और अब जाएंगे रूम लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए, हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई। 10:30 पे पहुंचने वाली थी और यहाँ पे पहुंचाया लगभग 1 बजे के टाइम। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे की साइड ये पूरा रेलवे स्टेशन है और भी आपको दिखाऊंगी बाकी। अभी आपको इस सीरीज में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं क्योंकि इंडिया गेट का, लाल किला का, जो कि दोस्तों हम लोग सभी इसमें आपको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सारे ब्लॉग जरूर देखना। बाकी देखिए पीछे का नजारा, ये खड़ी है ट्रेन। तो चलिए अब चलते हैं रूम पे और रूम में जाके ही हम लोग रूम लेंगे और उसके बाद कहाँ घूमने जाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई ब्लॉग को कंटिन्यू वॉच जरूर करना। तो फ्रेंड्स अब फाइनली हम लोग फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठे, ट्रेन का सफर हमारा कुछ इतना खास नहीं था क्योंकि इसीलिए नहीं था भाई खास, क्योंकि वो अटक अटक के चल रही थी। अटक अटक के तो चल ही रही थी, वो बात तो अलग है। और दोस्तों मतलब बहुत बेकार रहा क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए टाइम के हिसाब से, पर हम मेट्रो में जाएंगे। मतलब हम लोग नहीं, ट्रेन अपने टाइम से लेट हो गई, हम तो टाइम भी पहुंचे थे। तो अब चलिए चलते हैं और मेट्रो में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आके अभी हम लोग रुके हैं और आप लोग देख सकते हैं पूरा कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं काफी मतलब भीड़ रहती है क्योंकि सारे यात्री यहीं पे उतरते हैं। तो हमारा बरेली से डायरेक्ट यहीं की ट्रेन थी तो हम लोग यहीं पर उतर चुके हैं। फ्रेंड्स आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दिल्ली में, और यहीं से जाएंगे हम लोग मेट्रो लेंगे और उसमें बैठेंगे। सो गाइस काफी चढ़ाई करने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जो कि दोस्तों आप लोगों को पता है। अरे बिल्कुल हम लोगों की शक्ल बिल्कुल खराब हो गई है और सिखा की देखिए ऐसा तो नॉर्मल भी नहीं लगते भाई, इतने भयंकर हो गए अभी बहुत। अब आप लोगों को पता है 6-7 घंटे का सफर भाई कोई नॉर्मल नहीं होता है। ट्रेन में हवा लगती है, ऊपर चढ़ के आए ना तो इसलिए और दिक्कत है। नहीं ट्रेन में ही शक्ल खराब होगी क्योंकि हवा लगती है, बाल सारे उड़ जाते हैं, ऐसे बैठ रहे पागलों की तरह। तो चलो चलते हैं मेट्रो में बैठेंगे और देखते हैं टिकट लेते हैं। तो यहाँ से गाइस आप लोग खरीद सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का टिकट, और आप लोग देख सकते हैं काफी लोग यहाँ से टिकट खरीद भी रहे हैं तो आप लोग भी इधर ही आके टिकट खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं भाई ये रही मेट्रो, आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खाइए। अब हम कोई ऐसा मतलब होटल ढूंढ रहे हैं रूम देखने के लिए, अगर रूम मिल जाता है तो हम लोग वहीं ठहरेंगे, ऐसी शक्ल को थोड़ा सही करेंगे। लगी नहीं रहा दिल्ली आई ये लग रहा है बिल्कुल। हम अपने गांव में भी ऐसे नहीं रहते, ऐसी शक्ल हो रही हमारी। तो चलिए पहले रूम देखते हैं फिर चलते हैं घूमने। भाई कौवे देखने को मिल गए हमारी बरेली में, तो कौवे ही नहीं रहे भाई, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं। ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।